वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड चैप्टर 3 इन कंप्यूटर। चैप्टर 3 नेम इज टूल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर इंट्रोडक्शन। यू ऑलरेडी नो अबाउट वर्ड प्रोसेसर्स, दे आर यूज्ड टू टाइप द टेक्स्ट ऑन ए कंप्यूटर। आप सब जानते हैं वर्ड प्रोसेसर के बारे में। हम वर्ड प्रोसेसर का यूज़ टेक्स्ट को टाइप करने के लिए करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर यूज्ड नाउ ए डेज। अभी के टाइम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है। यू हैव लर्नड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 इन योर प्रीवियस क्लास। आप प्रीवियस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के बारे में पढ़ चुके हैं। लुक एट द पिक्चर बेलो टू रिकॉल द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 स्क्रीन। आपको नीचे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 स्क्रीन दिया हुआ है, उसका पिक्चर आप लोग देखिए और समझिए। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का स्क्रीन है। यहाँ आपको रेड लाइन से रेक्टेंगल बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, जिसे हम कहेंगे टाइटल बार। यहाँ आपको छोटी सी माइनस की तरह एक लाइन वाइट लाइन बनी हुई है, जिसे हम कहेंगे मिनिमाइज बटन। यहाँ एक स्क्वायर बना हुआ है, जिसे हम कहेंगे मैक्सिमाइज बटन। और यहाँ क्रॉस का साइन दिया हुआ है, जिसे हम कहेंगे क्लोज बटन। यहाँ आपको ब्लैंक एरिया दी गई है, जिसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट एरिया। और यहाँ एक लाइन बनी हुई है, जिसे हम कहेंगे कर्सर। वर्ड 2016 अपडेट्स। वर्ड 2016 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलीज्ड ऑन 22 सितंबर 2015। वर्ड 2016 आपका लेटेस्ट वर्जन है, जो रिलीज्ड हुआ था 22 सितंबर 2015 में। द रिबॉन, द रिबॉन कंटेंस टू पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स। रिबॉन आपको टू पार्ट्स में बटे हुए हैं, वन टैब्स में और सेकंड ग्रुप्स में। ईच टैब कंटेंस कमांड्स अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स। हर एक टैब कंटेन करता है डिफरेंट ग्रुप को। होम टैब इज जनरली यूज्ड फॉर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। होम टैब आपको ज़्यादातर यूज होता है एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, प्रीव्यू, व्यू, ये सारे आपको टैब हैं। और हर एक के नीचे चार पांच बटन्स दिया हुआ है, जिसे हम कहेंगे ग्रुप। ये आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये आपका फॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है। ए क्विक रिव्यू। नंबर 1, स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे स्टार्ट करना है, फिर से आपको रिव्यू किया हुआ है, वैसे आप लोग खुद भी जानते ही हैं। स्टेप 1, क्लिक द स्टार्ट बटन। पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करना है। स्टेप 4, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मेंबर होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है और आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। नंबर 2, क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। हमें एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है। स्टेप 1, क्लिक द फाइल टैब। फाइल टैब आपको ऊपर के साइड में लिखा रहता है, उस पर हम क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द बैक स्टेज व्यू। जब आप क्लिक फाइल टैब पर क्लिक करिएगा, तो आपको बहुत सारा ऑप्शन आएगा, जिसे हम कहते हैं बैक स्टेज व्यू। उसमें आपको न्यू ऑप्शन दिया रहेगा, न्यू पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3, सिलेक्ट द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल टेम्पलेट सेक्शन एंड क्लिक ऑन द बटन, क्रिएट बटन। उसके बाद आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें अवेलेबल टेम्पलेट में रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्रिएट बटन, नीचे की साइड में क्रिएट लिखा रहेगा, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। द न्यू डॉक्यूमेंट एरिया अपीयर्स दैट गिव्स यू ब्लैंक स्पेस टू वर्क। आपको एक नया डॉक्यूमेंट एरिया अपीयर हो जाएगा, जो बिल्कुल ब्लैंक होगा। स्टेप 4, यूज़ द कीबोर्ड टू टाइप वॉट एवर यू वॉन्ट। उसके बाद आपको कीबोर्ड से टाइप करना है, जहाँ से आप टाइप करना चाहते हैं। नंबर 3, सेविंग ए डॉक्यूमेंट। अब हमें डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करना है। स्टेप 1, क्लिक द फाइल टैब। फाइल टैब पर आप क्लिक कीजिए। स्टेप 2, क्लिक द सेव ऑप्शन फ्रॉम द बैक स्टेज व्यू। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। फाइल टैब जब आप क्लिक करिएगा, तो आपको नीचे बहुत सारा ऑप्शन लिखा रहेगा, इसमें सेव लिखा रहेगा, सेव पर क्लिक करिएगा,
तो आपकी सेव एज वाली डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। स्टेप थ्री, टाइप एनी नेम फॉर योर फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स। उसके बाद फाइल नेम दिया रहेगा, वहाँ एक बॉक्स बनी रहेगी रेक्टेंगल शेप में, आपको वहाँ अपने जो भी फाइल का नाम देना है उसमें टाइप कीजिएगा। स्टेप फोर, क्लिक द सेव बटन। उसके बाद नीचे साइड में आपको सेव लिखा रहेगा, उस सेव बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नंबर फोर, क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट। अब हमें डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है। स्टेप वन, क्लिक द फाइल टैब। स्टेप टू, क्लिक द क्लोज ऑप्शन फ्रॉम द बैक स्टेज व्यू। फाइल टैब पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन ओपन होगा, उसमें आप क्लोज ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा और आपकी फ़ाइल क्लोज हो जाएगी, डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो जाएगा। नंबर फाइव, ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट। अब हमें जो फाइल हमने सेव की है उसे ओपन करना है। उसके लिए हम स्टेप वन, क्लिक द फाइल टैब पर जाएंगे। फाइल स्टेप टू, क्लिक द ओपन ऑप्शन फ्रॉम द बैक स्टेज व्यू, द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। उसके बाद आप फाइल टैब जब क्लिक करिएगा तो बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको ओपन ऑप्शन रहेगा, ओपन ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। स्टेप थ्री, सिलेक्ट द फाइल यू वांट टू ओपन। डायलॉग बॉक्स अपीयर जब हो जाएगा तब आप जो आपकी फाइल है उस पर क्लिक कीजिएगा। स्टेप फोर, क्लिक द ओपन बटन, और नीचे की साइड में आपको ओपन बटन दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। नंबर सिक्स, एडिंग ए न्यू टेक्स्ट। स्टेप वन, प्लेस द कर्सर ऑन द प्लेस वेयर यू वांट टू द न्यू टेक्स्ट। वहाँ कर्सर रखिए जहाँ आपको न्यू टेक्स्ट चाहिए, हमें न्यू टेक्स्ट ऐड करने के लिए। स्टेप टू, टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। द टाइप टेक्स्ट अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप वहाँ टेक्स्ट टाइप कीजिए और आपकी टेक्स्ट जो है वो टाइप हो जाएगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए और समझिए। ओके स्टूडेंट्स।